जर्सी नंबर 6 पहने हुए, गोल्डन मरांडी जर्सी नंबर 14 और अमित सोरेन जर्सी नंबर 16 में और बबलू कुमार जर्सी नंबर 5 में, जबकि बरना हेम्ब्रम 9 नंबर में, चंद्रा मुर्मू 10 नंबर में और लुकस जर्सी नंबर 17 में। तो जर्सी नंबर 3 पहने हुए अभी मुर्मू आगे की ओर बॉल को पास बढ़ा दिया है, मिडफील्ड में बॉल को बढ़ाने की चेष्टा में थे लेकिन यहाँ पर शाम के पास बॉल जर्सी नंबर 11 में। हरिशपुर की ओर से खेलते हुए ये प्लेयर हल्का सा बैक पास किया, वहां पर हरिशपुर के टीम के खिलाड़ी लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी तेजी से बॉल को बढ़ाया जरूर था लेकिन एफसी चबुंडा ब्रदर्स गोकुलपुर के गोलकीपर झुलन सोरेन वहां तैनात और तुरंत ही अपने लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है। तुरंत ही वहां पर जर्सी नंबर 14 मुनसा मुर्मू के लिए बॉल को तेजी से बढ़ा दिया गया, मुनसा मुर्मू जरूर आगे की ओर बॉल को तेजी से उछाला था लेकिन इससे पहले बॉल टच लाइन से बाहर निकल गई। दोनों की टीम बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लेकर के आए हैं, विशेषकर बात करें हरिशपुर की टीम से बंटी जैसे प्लेमेकर खिलाड़ी है जर्सी नंबर 8 पहने हुए बंटी और शकील जर्सी नंबर 12 पहने हुए ये स्टार कास्ट खिलाड़ी, अब देखना है वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। और फ्रीकी के लिए बंटी बहुत ही सुंदर वहां पर नियंत्रित शॉट, इससे पहले सुरेंद्र का अच्छा क्लियरेंस, सुरेंद्र और सुनील मुर्मू दोनों फुल बैक से खेलते हैं। एक बात भी शाम के बॉल को क्रॉस कर पाते हैं नहीं, साथ ही खिलाड़ियों को ऑप्शन को ढूंढते हुए हालांकि वहां मुनसा ने गेंद को आगे की ओर लुढ़का दिया था बल्टू मुर्मू के लिए लेकिन फिर से बॉल एक बार फिर से गंवाते हुए जर्सी नंबर 6 पहने हुए खिलाड़ी पाए किशोर कुडू, लेकिन किशोर से भी बॉल फिलहाल वहां पर निकल चुकी है और अनिल सोरेन जर्सी नंबर 16 पहने हुए हरिशपुर, फिर से बंटी ने बॉल को जीत लिया। बहुत क्लीनली ये खिलाड़ी खेलते हैं, बॉल जिस तरह से बनाते हैं यही खासियत है कि अपने साथी खिलाड़ियों को पूरी तरह से असिस्ट करते हैं, अच्छा पास निकालते हैं लेकिन इस बार देखना है यहाँ पर बॉल को क्रॉस करने की कोशिश में इस विराट में थोड़ा सा वहां पर बॉल को स्लो किया, पहले इस बार आक्रमण के लिए बॉल को झोंका जरूर है लगभग वहां बॉक्स के अंदर मौका बन सकता था, लुकस वहां बॉल के लिए झपट रहे थे और ये पहला शॉट तेजी से लगाया गया सचिन का यह शॉट, हालांकि गोल के पर झूलन सोरेन के लिए परेशानी नहीं, गोकुलपुर टीम को ज्यादा परेशानी नहीं भी है और फिलहाल वहां पर हल्का सा छोटा सा पास सुबोध सोरेन, इस टीम के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी सुबोध, दोनों पैर से बॉल को जिस तरह से स्किल करते हैं और पास बनाते हैं वास्तव में देखना है कि उसका खेलना और इस टीम के लिए वो कितना बड़ा योगदान दे पाते हैं। फिलहाल बॉल जीतने के लिए फिक्की फिक्की बॉल में वहां पर आके प्रयास में सफल अपन बाबू, बहुत ही चुनिंदा खिलाड़ियों में माने जाते हैं अपन बाबू की खासियत कि बॉल को बनाते हैं वो मिडफील्ड से, फॉरवर्ड में उनका खेल प्ले स्टाइल बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन देखना है यहाँ चमुंडा ब्रदर्स गोकुलपुर की टीम थोड़ा सा वहां पीछे क्या होगा मुनसा के लिए सका दिया, मुनसा और सुबोध के बीच जिस तरह से तालमेल बनी थोड़ा सा वहां पर आपसी कमेडेंसर में कमी होने की वजह से बॉल को जीत लिया था ब्लैक डायमंड हरिशपुर की टीम, लेकिन अभी भी मैच जस्ट शुरुआत हुआ है तकरीबन 4 मिनट का समय इस फर्स्ट हाफ में इस समय फिलहाल चलता हुआ और फिलहाल बॉल के साथ मुनसा आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर फर्स्ट टाइम अच्छा पास वहां पर बनाया जर्सी नंबर 11 पहने हुए खिलाड़ी नजदीक में ढूंढने की कोशिश गुरान ब्रांडी इस टीम के करते लेकिन फिर से यहाँ पर मुनसा गुरान को भी ठीक से ढूंढ के निकालने की कोशिश, जी हाँ अच्छा मौका बनाते हुए बाएं फ्लैंक से अटैक करने के प्रयास में लेकिन क्या गोल को क्रॉस कर पाते नहीं लेकिन इससे पहले वहां पर गोल को क्लियर कर दी गई, अच्छा मुकाबला दोनों टीम के खिलाड़ियों का टेक्निक देख के मुझे लग रहा है इस समय के साथ दोनों टीम और बेहतर करने की कोशिश में है। बिल्कुल जैसे जैसे तुषार समय बढ़ा चला तैसे तैसे शरीर की लुकिना गाती रहे सुधर हुई इंडिया मगर अब जस्ती समय अलूबेन हटा हुआ बना चिंगी शरीर की एक से बढ़कर एक खिलाड़िया समावेश हुई क्या जहां तक आम गोकुलपुर
दूर से खनन तथा इखाज सही एकदम टॉप ऑर्डर में सबको खिलाड़ी को लगाव का हुआ जहां तक हम रक्षापति लाइव रन निरखिन भाई सुनील आर सुरेंद्र किसको आर सुनील मुर्मू मिला कि जबकि फॉरवर्ड लाइन रन लगा उमेश सबसे घातक के साबित दाड़िया गणा लेग डायमंड लगे इसके बाद संतोष सोरेन जैसे खिलाड़ी मिला हुआ और उनका लिखा कि ब्लैक डायमंड पूर से कौन हो शकील बंटी बुदीन और किशोर जैसे टॉप ऑर्डर रन खिलाड़ी मिला हुआ ऐसे रहे आम सभी के खुशा रन में लड़े अपना हुआ मुकाबला जैसे जैसे समय बढ़ा गया तैसे तैसे हुआ गति ने सुधार हुआ लेकिन ये देखिए बंटी एम को दिया बंटी आप सौ रुपए बोलो कि ना कार नंबर दर दीदा शाम मुर्मू उन्हें छठी पास हुई कि ना उन्हें रहने खेल दिया मान अरुणे ओ हो किशोर कन गोलकीपर झूलन सोरेन पोजीशन टीमों ने बनाओ का कहे ना नतीक खून की सूट कहे कि ना मगर गोलकीपर झूलन सोरेन जबरदस्त कलेक्शन ना वजह से कोई चांस की बात ये देखिए 14 नंबर जब चेहरों का खिलाड़ी एकदम कड़क शॉट करते हुए गोल्डन वरंडी के बाद तो नहीं स्किल पे बोल चला अपना स्किल अंशारी 14 नंबर एंड कर दिया 14 नंबर रन बनाने का कह दिया गोल्डन मगर सही पास गोल्डन भाई को कर लिया और हपल बेटा को यहां पकड़े बोले दूर कर स्किल भाई बॉल कंट्रोल करने के बाद जी बीच में एडी का कहना लेकिन आर हम एकदम स्किल अखाद मुखा बड़े गलती की लेकिन अंतिम समय में ऑफसाइड या इशारा अता हुआ नतीजा इनडायरेक्ट किक के जमाव या इशारा को नाम करा कुकुल यह अपना का मैन टू मैन दोनों टीम के खिलाड़ी का जो जिस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छा है और कंडीशन के हिसाब से दोनों टीम के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं कभी अपने हाफ लाइन की तरफ पीछे की ओर वहां मुड़ जाते हैं लेकिन फिलहाल यहां पर सुनील मुर्मू बहुत ही मजबूत पिच तरह डिफेंस लाइन के खिलाड़ी माने जाते हैं पास तो बढ़ाया आगे की ओर लेकिन दोनों पास ये थोड़ा सा बॉल को रिसीव नहीं कर पाए अच्छा मुकाबला फिलहाल यहाँ तो शाम बॉल को जीत पाते या नहीं सुनील से तो आगे बढ़े जरूर लेकिन रोनो ने अंतिम समय तक शाम का पीछा किया और तब तक ने बॉल को एक बार फिर से टचलाइन से बाहर कर दिया उनके मोमेंट को बनने नहीं दिया पहले हाफ का खेल और स्कोर लाइन दोनों का शून्य शून्य पर है लेकिन दोनों टीम धीरे धीरे स्कोर के लिए अटैक करने के लिए अपने खेल को सुधारने की कोशिश में है लेकिन फिर से उनका छोटा सा पास अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए ओपन बाबू के लिए बॉल को बढ़ाया ओपन बाबू और सचिन के बीच 50-50 बॉल में हालांकि बॉल को जीत लिया सचिन ने और तुरंत बैक पास किया वहां पर संतोष बासी के लिए संतोष फिर से सचिन के लिए और देखना है यहां पर छोटा सा पास गोल्डन के लिए गोल्डन वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे किशोर थोड़ा सा आगे थे किशोर तक बॉल नहीं पहुंची लेकिन होपन बाबू को देखे नाटक करके खिलाड़ी लेकिन बहुत ही चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी छोटा सा पास वहां जर्सी नंबर 9 में जहां विशु प्रताप सोरेन खेलते थे फिर से विशु प्रताप के लिए मौका है देख रहे प्रताप इससे पहले वहां पर फ्लैग उड़ चुका था असिस्टेंट रेफरी ईश्वर जी का और फ्री किक के लिए मौका मिल जाएगा हरीशपुर की टीम दोनों टीम के खिलाड़ियों का जो आक्रमण है वो जमीन से आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरा आक्रमण करने के लिए दोनों टीम अब उतावला नजर आ रहा है बिल्कुल सीधा बटन उतावला सीधा बटन उठा बटन दो सीधा जे नहाते चला लिया मामला करना ओ अभिया एक लेकिन सीधे बंटी पे चलाना बंटी दो 12 नंबर एम खाओ दिया लेकिन 12 नंबर जब तक के पड़ा तब तक मैच रेखरी तुरी जी ते बॉल चलाओ ना नतीजा आ हो बंटी ये पड़ा उठा ना ब्लैक डायमंड हरीशपुर बंटी सुपर डिफेंडर दो नंबर जर्सी का खिलाड़ी संतोष बास की हरी मजा हुआ खिलाड़ी के संतोष बास की सोलो नंबर जर्सी का खिलाड़ी लगन बनाओ खड़ा अनिल सोरेन लगन बनाओ खड़ा लेकिन अभी बॉल फेंकी भाई चलाओ की अचूर दिया नतीजा परिणाम अंजल खान गोलकी जमा हुआ अवसर को अंजाम दा और गोकुल पूर देन खिलर ये कुड़ा गोल छूलन सोरेन बाहर पे थम बढ़िया शॉट को छोड़ देते ना मगर तो का गोल फोकस उका एंगल पे गेंद हजू करा उना होश से ना
जगह नहीं चला सकते जब तो आक्रमण है मीरस का कछुआ। ये देखिए नौ नंबर मोहन कुमार है नगर बंटी के बोलते हैं अपना बट्टी मानता चल रहा खड़े होकर छह नंबर किशोर के लिए लेकिन किशोर लहार की थोड़ा दम हाथ लगा रहा ने चिस्ता किदा हार उना वजत की फोन किदा बस तगड़ा पास्ता है ना तो साहब उसका अनुपात से आठ नंबर बंटी बिटिंग तेरे माओ की तह ना आई मक्कू की तह ना पूरा तीन चार खिलाड़ियों से जब आप घिरे हुए होते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता और बहुत ही खिलाड़ी मौजूद स्टार डिफेंडर सुरेंद्र लेकिन यहाँ सकी पास देने की कोशिश छोटा सा पास किशोर फिर से बॉल को जीत लिया। किशोर आगे बढ़ने के फिराक में थे लेकिन अभी भी गोल्डन लगे हुए गोल्डन वहां पर बॉल को लेने की कोशिश में रेफरी ने प्ले ऑन कहा क्योंकि यहां पर उन्हीं के खिलाड़ी को मिल रहा था बॉल लेकिन फिर से किशोर बॉल को स्किप करने की कोशिश साथ ही खिलाड़ी के लिए बढ़ाना चाहते थे लेकिन इससे पहले वहां बॉल गोकुलपुर के हाथ से निकल चुकी है। अच्छा मुकाबला बहुत ही कॉन्टेस्ट बड़ा मैच चलता हुआ और दोनों टीम पूरे माइंड की गेम खेलते हुए कोई हड़बड़ी में नहीं बल्कि मैदान के अंदर में ही ज्यादा से ज्यादा बॉल रखने की कोशिश और जमीनी खेल में विश्वास रखता है मनोजा क्योंकि अच्छे टीम की खासियत यही है वो ग्राउंड में कितना ज्यादा बॉल को रखते हैं और अपने पक्ष में बॉल को जिस रखते हैं इसी में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात वो मैच तुषार कटी कटी पास कटी कटी पास मोटा दे मोटा के आठ नंबर हो लेकिन अधिक फुर्ती में आते हैं अरे चकत्तार शूट किया बंटी निदम थोड़ा पसे तो की तो बांग तहन था सामने तहन खान बल्कि डंडे की भुनो उतर के ब्लैक डायमंड में अरे शूट लगे लेकिन बाहर साफ पंचा हो बिना आक्रमण अरे सटीक को आक्रमण करना फारो लाइन रन ये पुना ब्लैक डायमंड अरे शूट रन किशोर पुरु यशी नंबर छह रे बंटी आठ रे सौरे सोलो नंबर दर्शी नंबर खड़ी अनिल सौरे अड़ी रिदम रिको जो करना अब जैसे कि बोल पढ़ा करना एकदम गुटगुटे हो गए देखो इधीरा अपना गुटगुटे एकदम पसे जो कमी अंदाजी तभी बना लाहा ऐसे देखो ये आप बताइए लेकिन इसी बीच में फिर से फ्लैंक सीट करने की कोशिश फिर से जर्सी नंबर सेवन बेल्टू मुर्मू बॉल को बढ़ाने की कोशिश लेकिन इससे पहले फिर से प्ले गुप्ता बा दोनों टीम बहुत ऊपर में आकर के ऑफसाइड बना रहे हैं और मैन टू मैन जिस तरह से मैन कवरिंग कर रहे हैं मनोजा वो देखने वाली बात है कि दोनों टीम के डिफेंडर बहुत सतर्क हैं और फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी पूरी तरह से मैदान के बीचों बीच आते हैं। इसका मतलब है कि दोनों टीम एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं कि आगे ना बढ़ने दें और नजदीक से शॉट लगाने का मौका नहीं दें यही चीज इस टीम में देखने को मिलता है। बिल्कुल सुबोध सोरेन 13 नंबर तीन फिलहाल संतोष पास की सुपर डिफेंडर लेकिन किशोर ऐसे किया हर उड़ा लगा थे ठीक संडर पॉइंट की क्री फंसी की जमा हुआ अवसर को जम करा ब्लैक डायमंड हरी स्पूर ने खेल लिए पूरा को वाह 18 नंबर 17 नंबर 8 नंबर 12 नंबर बीच फेल दा बॉल रिलीज ना शकील भाई रन बना फिरा ऑफ साइड मांग बना लेना हाथ डुबा लगाते रिटर्न एकदम गोल्डन चांस शकील बना लेते हैं ना लेकिन गोलकीपर झूलन सोलेना सूच बूझ के चलते भोले बचाओ खिला जैसे भी हो तुषार एकदम मुकाबला खड़ा भी बना अध्ययन में मनाई था झूलन सोरे उनका अनुभवी गोल के पास रहे वो कोई बड़ा गया नवा एरिया को की से नवा रिदम रुकी शॉट डाला उनका शॉट या उनका पोजीशन करा उनका की ब्लॉक के थे और उन्हें उनका की गोल के पास भी थे बेनिफिट हुई ना जब सकिन शॉट या मौका भाई बाहर गया और उन्हें ये थी नडे अड़ी बेहतरीन मैन कवरिंग के साथ बॉल पोजीशन आया तब जेरे दो सुनील लेफ्ट हाफ अरे मौज मौका बीस
इस बार क्या यहाँ पर गोल मार पाएंगे? नहीं, विष्णु प्रताप जरूर बॉल को प्लेस करना चाहते थे, लेकिन फिर से यहाँ पर बॉल को जीत लिया। लेकिन संतोष भास्की को मानना होगा, बनेगा कभी कभी हाफ का भी काम कर देते हैं, कभी फुल बैक में भी चले जाते हैं, लेकिन क्या बेहतरीन अभी तक रोल निभाते हुए एक फुल बैक करिए। लेकिन इस बार देखना है बॉल को साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश में वहां पर अभी गुरु बहुत ही सुंदर मिडफील्ड में बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां पर बल्टू ने बॉल को बढ़ा दिया था। लेकिन फिलहाल बॉल को जीतने के तुरंत बाद ही साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को वहां पर बढ़ा दिया था गुरान मरंडी मीटिंग से खेलते हुए। लेकिन यहाँ पर फिर से आगे की ओर बॉल को लहरा दिया गया है, लेकिन सुरेंद्र यहाँ मौजूद एक चटकदार शॉट लगा करके बॉल को प्ले से बाहर कर दिया गया, तो गोल नहीं हो पाया है पहले हाफ में। दोनों टीम शून्य शून्य पर आज का तीसरा मैच हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये खिलाड़ी काफी युवा खिलाड़ी लग रहे हैं, खिलाड़ी अभी फुर्ती पला बॉल कल का पोजिशन रहता था और पोजिशन रहते पास आना सफाई स्लाइड लेने का अति मजे क्रोम टूटा बिल्कुल खिलाड़ी लगातार गोकुलपुर लम्बा खेलते हुए संतोष आटे धावना संतोष के बाद आठ नंबर नहीं गोकुलपुर के पास ही रहेगा थोइन और ज्यादा यहाँ पर रिस्क इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बराबरी का बात है, किसी भी तरह गोल हुआ नहीं है इस मुकाबले को। दोनों टीम यहाँ पर शून्य शून्य की बराबरी पर भी इसे खत्म कर सकते हैं और ऐसे समय में बेहतर समय की यहाँ पर कम होगी इस मुकाबले में। लगभग मुझे लगता है 10 से 12 मिनट हो चुका है दूसरे हाफ में भी, 25-25 का फॉर्मेट है तो अभी भी 15 मिनट का लगभग ये मैच अभी भी बचा हुआ है। अगर ऐसे में एक भी गोल हो जाता है तो ये निर्णायक गोल साबित हो सकता है इस मुकाबले का। विष्णु प्रताप एक बार फिर से ठोके निकाला गया, थोड़ा पाया है वन बाउंस और यहाँ पर मौका बनता हुआ लेकिन एक बार में टच नहीं कर पाए गुरांगो मरांडी। मौका था यहाँ पर और जिस तरह से राइट विंग में राइट विंग के पोजीशन से खेल रहे यहाँ पर बहुत ही अच्छा तलाशने का प्रयास किया गया था श्याम को, लेकिन श्याम तक आए नहीं बॉल। सकीन फर्स्ट टाइम टच क्वालिटी खेली लेकिन उनके सहयोगी वहां पर अपना संतुलन को सही नहीं वहां रॉन्ग टैकल किया गया, इसलिए फाउल को यहां पर अर्जित कर लिया है ब्लैक डायमंड की टीम ने। एक स्ट्राइक लेने का मौका मिलता हुआ लेकिन जो पेनल्टी आर्क है पेनल्टी एरिया वहां से काफी दूरी से ये शॉट मिला हुआ है ब्लैक डायमंड को, अवसर काफी कम नजर आ रहा है गोल स्कोर करने का। एक खिलाड़ी इंजर्ड हुए, अगर फर्स्ट एड बॉल लेना चाहेंगे तो यहां से कॉल कीजिएगा, पूरा एड बॉक्स यहां तैयार है और टीम डायमंड के पास भी है तो वो भी अपने खिलाड़ी को प्राथमिक उपचार वो कर सकते हैं उनका। लेकिन खेलने के लिए सक्षम ब्लैक डायमंड की एक खिलाड़ी और ली जाएगी यहाँ पर एक फ्री किक काफी दूरी से, फिर भी यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी वहां पर रहेंगे इस शॉट से बचने के लिए, शॉट को ब्लॉक करने के लिए। चार खिलाड़ियों का वॉल यहाँ पर बनता हुआ, ये खतरा तो नहीं हुआ क्योंकि गोलकीपर और जहां बॉल को स्पॉट में रखा गया है फ्री किक के लिए तो काफी दूर है और इतना दूरी से यहाँ पर आपके पास क्वालिटी शॉट भी हो तो गोलकीपर के पास पर्याप्त समय होता है ऑफसाइड के ट्रैक में। लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव हेडर आता हुआ और हपन बाबू आराम से यहाँ पर बॉल को निकाल लेंगे अपने हाथ से
सेंटर फॉरवर्ड के लिए ये शॉट, लेकिन डिफेंस लाइन से बहुत ही बेहतरीन डिफेंसिव हेडर आता हुआ, इसलिए खतरा नहीं बना। लेफ्ट फुट बहुत ही बेहतर शॉट यहाँ पर एक बार फिर से गोरांगो के लिए, लेकिन वहां पर फर्स्ट टाइम शकील की दिशा में, शकील को ढूंढ के निकालने का प्रयास वहां पर। लंबाई शॉट यहां पर, लेकिन एक टप्पा के बाद गोलकीपर के ग्लव्स में, गोल होने का कोई संभावना नहीं। बराबरी पर दोनों टीम, इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं और आराम से खेलते हुए, चाहे उस तरह का कोई खास रणनीति बनाकर के नहीं खेल रहे दोनों टीम के खिलाड़ी। अगर एक हाथ में बॉल चली जाती है तो उसी टीम के खिलाड़ी ज्यादा होते हैं तो वहां गोल होने का संभावना बहुत कम बनता है। चामुंडा ब्रदर्स के लिए यहाँ पर अच्छा अवसर, लेकिन डिफेंसिव हेडर एक बार फिर से बहुत ही सुंदर, और इस तरह से जो खतरा बना था ये खतरा आसानी से टल गया है, और काफी देर के बाद यहाँ ये दोनों ही टीम पेनल्टी बॉक्स में अंदर नहीं आ पाए हैं। तो 20 ग्राउंड में, इतना बड़ा ग्राउंड है उसके बावजूद भी प्ले एरिया को कितना छोटा करके रखे हैं दोनों ही टीम। मौका यहाँ पर बनता हुआ शॉट, लेकिन फ्लैग हवा में उठ चुका था, फर्स्ट पोस्ट के बॉटम कॉर्नर में ये शॉट था, लेकिन यहाँ पर बॉल निकल जाएगी गोल लाइन से बाहर, नहीं उससे पहले ही ऑफसाइड की यहाँ पर ले जाएगी। इसमें से निर्णायक सुनील पुरी का यहाँ पर इनडायरेक्ट फ्री किक का यहाँ पर संकेत आता हुआ, एक नहीं दोनों टीम्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का किया है सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन यहाँ पर। एक बात को मदद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा प्लेस होने के बावजूद भी अगर आप प्लेस को छोटा करेंगे यानी 20 ग्राउंड में आप खेलेंगे तो यहाँ गोल नहीं के बराबर, और इसे ही कहते हैं डिफेंसिव खेल यहाँ पर खेल रही है दोनों टीम। सरी कथाम यल्याम कदरा राजेंद्र, इतना बढ़िया ग्राउंड है आम ड्रो लगन गतिया बंचा लगन गतिया तो बेनवा ग्राउंड या सही उपयोग आम सरीगे बम भेंदरिया करा आम चीर का मेना उनका हम गति दरिया अलम मेना बांगलो को उनका कथा बांग करा जब पिछला मुकाबला रे वीक पे खिलाड़ी की बार दो में गोल पिला इस्तामुल नाइट एनवायरनमेंट बढ़िया थे। अगर आम मीडिया बोल एम छटावा कटावा डिबॉक्स के करीब रहे इसी कते भी एम बढ़िया मोमेंट तक बना कते एम थे या तो भी आम बोल एम यामे कर दिया मैं चाहे दूसरी टीम तालार में ठीक ठाक की नाती करा तालार है ग्राउंड पास सब कुछ ठीक ठाक हुई करा लेकिन उसका पनाल्टी एरिया रे चला चला पी नुकिन टीम गड़बड़ा होता रहा। बिल्कुल सही बात, काफी देर के बाद यहाँ पर अवसर बनता हुआ बल्टू, लेकिन पोजीशन को गवाने में भी देरी यहाँ पर नहीं लगा उसको, फर्स्ट टाइम शॉट और प्लेसमेंट कितना खराब यहाँ पर, जिस तरह से खिलाड़ी को बार बार पोजीशन किया है श्याम ने, उतना ज्यादा उसके बॉल नहीं पहुंचा पाया है उसके होल्डिंग मिडफील्ड और जो असिस्ट कर रहे हैं उनको। शॉट इस बार लेकिन फ्लैग हवा में उठ चुका है तो वापस आना होगा यहाँ पर होकन बाबू को, अच्छा अवसर रन अच्छा बनाते हैं होपन बाबू। इससे पहले जो होपन बाबू को मौका मिला था मनोज, वो गोल एरिया और पेनल्टी एरिया के बीच से डिस्टेंस काफी कम था, अगर वहां से आप शॉट ज्यादा गति में रखते हैं और डायरेक्शन सही रहता है तो चांस रहता है गोल करने का, लेकिन प्राय आजकल मैं देखता हूँ वो दूरी से लिया हुआ शॉट में कोई भी आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल गोल एरिया यानी नजदीक से गोल करने का यही कोशिश रहता है अक्सर मैं देखा हूँ। तो 2023 और 24 वर्ष से पहले मैं देखता था कि लॉन्ग रेंज से गोल करते थे खिलाड़ी, और कल जिस तरह से दामियन ने सबसे दूरी से गोल करने का श्रेय अभी तक उसने हासिल किया है तो इस मुकाबले में ऐसा कुछ खास नहीं। आप एक तरह से देखें आप जितना ही बेहतर कर लीजिए लेकिन वो बारी नहीं रखता है, अगर जब तक आप स्कोर नहीं करते हैं तो फिर जितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उस वो बारी नहीं रखता है। बिल्कुल सुनील खून बांग को धुआं दारी करना और उन्हें यह सबसे बड़ा कारण करना गोलकीपर निकाल रहे तो उनको कटे ना, लेकिन ये देखिए बेकार सा शॉट, थोड़ा गन प्रेशर मिना पांच नंबर थे पांच नंबर भूगलपुर जानबूझ के खेल सीमा का है अरे को करा अक्रोई अपन बेटा
लगातार प्रयास करा और ये देखिए संतोष ये तो थोड़ा गन बढ़ाओ करते काटी गया कोशिश का ब्लैक डायमंड हरीश पूरे डिफेंड आर नारिया नतीजा पते को विरोध हुई दया खना लेकिन ये देखिए तीन नंबर बुदीन वो नीत भी ते काफी प्रभावशाली खेल है उदू करा ओ ये देखिए सीना चपटी है जर्सी नंबर आठ घंटी धीरे धीरे ही सही डी बॉक्स में बैठे बुटे खिलाड़ी फॉरवर्ड लाइन में कुछ चलाओ करना चांस नहीं उतना डायरेक्ट हिट शकील नीते लहाओ करना दूर वाला खिलाड़ी के नहीं राजेंद्र जेल लेता है शकील पसे चो फ्री बॉल नुई लताव ते कुल माओ इका गुंडे उपते ने गोल दलिया इनामो हाफ लाइन को एगा ठीक ना तहे ना नी पसे चो जैसे जैसे समय चला खाना काम बाग हुई वो खाना गोल दिया ना इते शकील थोड़ा गन लहाव का भी इतु मगर नुआ रहे जी नतीजा हजुआ मादो बाप रे की लिया सात नंबर अच्छा कोशिश करते हुए ये देखिए संतोष ही सुपर डिफेंस किया दरुमदार सम्राट फुल बबलू रिया